इस कोने के बजाय थोड़ा पीछे उधर गए 1.5-2 किलोमीटर ताकि उनको दिखे ना और कुछ हो ना जाए, अघोरी को ना दिख जाए कि पीछा कर रहा है कोई हमारा। तो जो एक राइडर था वो बहुत आगे चला गया, मतलब वो कह रहा है कि उसका और अघोरी का गैप था 100 या 300 मीटर या 200 मीटर के आसपास। अच्छा। लेकिन अंधेरा था उस तरफ, तो लाइट ही नहीं है, बस खाली मैदान सा है। तो वे रोक रहे थे, वो रुका नहीं। और फिर वो वोट वाला कह रहा था कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा यार, यहाँ पे ये है वो, उनकी अलग बातें चल रही है। तो लेकिन इससे इस बीच में वो आ गया उसको देखने। तो जो जब उसने आके उसको बताया तो उसने क्या देखा भाई, एक अघोरी नदी से एक बॉडी निकाल रहा था और उसके पार्ट्स खा रहा था। बॉडी बॉडी लाश। हाँ लाश। और मतलब ये बाद में पता चला कि वो किसी लड़की की लड़की थी कोई, जो कि 14-15 साल की थी, जो उनको देख के वहाँ से जो उनको समझ उस लड़के को जो समझ में आया जो आगे चला गया था उसको ये समझ आई कोई 14-15 साल की लड़की है, उसकी लाश निकाल रहा है, उसका हाथ खा रहा है। अच्छा। हाँ। और वो भी ऐसे ही मार रहा है उड़के। तो उसने वो देख लिया उसने आप उसको, फिर वो जबरदस्ती खींच लाए। फिर वो जब उस घर आके उसने बताया ना कि तूने देखा तो नहीं, उसने कभी कुछ हो जाए, पर उसने जब आके वोट पे आ गया तो उसने बताया कि मेरे को अघोरी नहीं देख लिया, पर उसने मेरे को देखा और वो वापस अपने काम पे लग गया। देख कैसे लिया था वो, उसके अघोरी के पास गया था क्या? जैसे ये घाट, ये नदी होगी घाट, यहाँ वोट खड़ी है उसकी, ये दूर, और इसके अंदर की तरफ जाके जो रेत रेत नहीं होता नदी के साइडों में, उस पे जाके, और वो कह रहा था कि नदी से निकाली होगी क्योंकि वो खींच रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा उन्होंने देखा, क्योंकि जब तक तो जा रहे थे तब तक तो उसने अपना आधा काम तो कर ही दिया हुआ। तो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा सा ऐसी जगह लाया जहाँ पे थोड़ा बैठ सके, और वहाँ पे अंधेरा अंधेरा था, इधर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके थोड़ा बहुत आ रही होगी तो आ रही होगी, जो घाट पे खंभे वंभे की लाइट लगी रहती है तो यही बहुत बता रहा था। तो भाई उसने देखा तो वो अंदर की तरफ चला गया। अब वो खड़ा है बिल्कुल नदी के इस किनारे पर, थोड़ा अघोरी बैठा थोड़ा सा आगे, मतलब ये नदी होगी तो वो ऐसे त्रिकोण सा बन गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये देख रहा। तो अघोरी ने देखा इसको, वो कह रहा मुझे घूरा थोड़ी सी देर और चुपचाप अपना काम करने लगे। इतने में उसके वो दोस्त आके, चल भाई अब हो गया तेरा, अब हम नहीं रुक रहे, तुझे रुकना दूंगा। वो वोट वाला भी डंडा कर रहा कि भाई चलो चलो, जिसको वो करके ले गए होंगे, वो कह रहे थे वोट पे वो सो रहा था बंदा, उसको उठाया हमने और हम जब लेके गए उसको, और जो भी उनके पैसे थे, तो वो कह रहे मैं चलूँगा, मुझे डर लगता है यहाँ बहुत नेगेटिव वो है, भूत प्रेत घूमते हैं इस पार। तो भाई उसको कैसे तैसे वापस ले आए। अब होता क्या है, वो जैसे ही घर आया और सोया रहा शाम, जैसे दोपहर सुबह सुबह आके पहुँचा और सो गए मतलब सारे। तो कह रहे 4 बजे हम मिले और हम उसको फोन करे, वो उठा नहीं जब तक। फिर वो उठा शाम को सो के, क्योंकि सुबह तो ये वहाँ तक घूम रहे थे, इनको आते आते घर 4-5 बज गए होंगे। फिर वे सोए, तो कह रहे सुबह वो हमसे मिलने आया, चाय पीने जाते होंगे कहीं पे टपरी वपरी, कह रहा बैठा, वो कह रहा मुझे सपना आया कि मैं भी अपने सपने में अपने किसी के बॉडी पार्ट्स खा रहा हूँ। उसको सपना आया लड़के को जो देख बहुत आगे चला गया था ना, वो लड़का खा रहा है सपने में, सपने में उसको ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसे ही खा रहा हूँ किसी के बॉडी पार्ट्स, जैसे वो तांत्रिक खा रहा था अघोरी। अघोरी और अघोरी बिल्कुल बता रहा है बिल्कुल नंगा था, बस राख लपेटी हुई थी और कुछ कपड़ा था जो यहाँ बांधा हुआ था उसने बस, और कह रहा है उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, और पूरे इसके वो, और बिल्कुल पतला सा अघोरी का हड्डी दिख रही थी, मतलब ऐसा अघोरी था, वो कह रहा था हड्डियाँ दिख रही थी, वो तो हमने भी देखा अघोरी को। अच्छा। तो फिर क्या होता भाई, उसको सपना आया, फिर वो शाम को घर जाता है। तो भाई उसके बाद ना जैसे वो जैसे वो लड़का उसको बता अपने दोस्तों को बता रहा था, तो कह रहा था कि जैसे हम खाना खाने बैठे डिनर करने बैठे 7-7:30 बजे के आसपास, तो मैं अपने चेयर पर बैठा और मेरी मम्मा बैठी थोड़ी बाहर किचन के उधर, और वो वहाँ खाना खा रही थी किसी चीज़ पर बैठ के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा भी बॉडी के पीसीस खा रही है, मतलब उस लड़के को ऐसे दिख रहा है। और वो फिर उसको बहुत अजीब सा होने लगा कि मेरे सपने में वही आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने बोला तो जब भैम होगा तूने देख लिया होगा रात को, भाई हमें हम भी नहीं सो पाए, हमें भी आज तक सपने आते हैं, मतलब वो तो दोस्त था ना जो मेरा, वो मुझे कह रहा था कि हमें आज तक सपने आते हैं, कभी कभी दिख जाता है हमें, हमारा दोस्त वही अघोरी या उसका दोस्त। अघोरी अघोरी जो दूसरे लड़के थे ना, जो जिसने तेरे को कहानी बताई उसको क्या सपने आते हैं, ये कि हमारे सामने कोई अघोरी वो खा रहा है सपने आ जाते हैं, कोई अघोरी डरा रहा है, देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, दूर से देख रहे थे वो तो, और वो कहते हैं कि हमें भी सपने आ जाते हैं कई बार, हम रात को डर जाते हैं कोई अघोरी हमें डरा रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है और गाली कुछ बातें बोल रहा है, वो कह रहा मुझे याद नहीं, पर हम डर जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता भाई पूरी रात, आज भी मतलब इस बात को कहता कि 3-3.5 साल हो गए पर आज भी वो सो नहीं पाता, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो जाता है सपने आते हैं। उसके घर वाले तो दिखाया होगा कहीं हास्पताल, तो कह रहा था मैं तो ठीक हूँ पर सपने नहीं जाते मेरे, सपने में देखता हूँ। और उस दोस्त के साथ क्या हुआ जो वो देख रहा था अपनी माँ को? हाँ, तो उसने उसकी फिर उसको लगा कि वैसे उसको भैम हो रहा, तो उसने दोस्तों को बताया क्योंकि उस रात तो उसने देखा और वो जाके सो गया। तो अगले दिन जब वो उनका क्या है कि वो वाराणसी में दोस्त यार चाय पीने चले गए, ये खाने चले गए, उनका यही रूटीन होता है, और वो स्टडी कर रहे थे, उनमें से एक लड़का था वो डॉक्टरी की कोई फार्मेसी की वो कर रहा था, तो वो इतना मिलता नहीं था इनसे, तो ये दोनों ज़्यादा रह गए।
जिसने हमें बताई स्टोरी वो और जिसके साथ हो रहा था वो। तो ये लोग, इनका रूटीन था सुबह उठ के जाना, फिर वापस आना, फिर शाम को घूमना, ऐसे इनका रूटीन था। और ये पड़ोसी थे आपस में, चार पांच घर छोड़ के बचपन के दोस्तों के। तो भाई फिर क्या होता है कि तीन चार दिन बिल्कुल ठीक रहा, उसको कोई सपने नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसको एक लड़की दिखने लग गई, वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है, वो मेरे को झांक रही है खिड़की से, मेरी खिड़की से, मेरे रूम की खिड़की से मुझे एक लड़की झांक रही है। उसको ऐसा दिखने लग गया। तीन चार दिन वो बिल्कुल ठीक रहा, कह रहा उसको ना, या हो सकता है उसने हमें बताया नहीं, वो हमें तो बोलता था अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सपना नहीं आ रहा। उसी रात को आया जो आया, एक जैसे एक रात को तो दिखा उसको अपने खाते हुआ सपने में कि मैं खा रहा हूँ, फिर उसको अपनी मम्मी के दिखा कि मेरी मम्मी खा रही है। उस दिन के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था तीन दिन, फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो मुझे झांकती है खिड़की से, खुले बाल वाली, सपनों नहीं नहीं हकीकत में। अच्छा। अपने रूम में कह रहा मैं दिन में अपना फोन चला रहा हूँ, मैं स्टोरी टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मुझे देख रही है, मुझे उसके बाल फील होते हैं, मतलब जब खिड़की से मैं होता ना एक बार ऐसे नजर में देखे। तो वो कहता है कि नहीं भाई, वो इतना श्योर समझ में आ जाता ना, कैसे इंसान कह रहा है, खिड़की से कोई देख रहा है और बाल भी है, बाल भी है, मुझे फील होते हैं कि बाल है उस लड़की के, मुझे झांक के देख रही है। तो वो कहता है भाई ऐसे चलता रहा उसके साथ तीन चार दिन, पार पाँच दिन, छः दिन, दो तीन वीक बीत गया ऐसे ही उसको दिखती दिखती। तो एक दिन कहता है कि वो लड़की मेरे सामने आई भाई, वो लड़का उसको अपने दोस्तों को बताता है कि वो लड़की मेरे सामने आ गई और मुझे उल्ट सुलट बता रही है कि ये खाऊंगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उसको समझना है क्या हो रहा है, तो उसने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला कि इसकी थोड़ी सी मेंटली ये वो हो गया, तो उसको डॉक्टर के ले गए। मतलब वो धीरे धीरे उससे बात करने लग गई। हाँ, मतलब वो कुछ मांगती और ये उसको बोलता कुछ, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ऐसे करके। तो उसने फिर अपने घर वालों को बता, इसके दोस्त ने बोला कि भाई अपने घर वालों को बता दे, जो जिसने हमें कहानी बताई उसने बोला, वो उसके साथ गया और उसने उसके घर वालों को बताया, उनके घर वालों को लगा कुछ मेंटली कुछ हो गया है, तो उन्होंने दिखाया, तो उसका इलाज भी चला सात दिन बाद। जो सात दिन इलाज चला ना भाई, वो कह रहा है इतना पागल हो गया कि वो नंगा सोने लग गया, नंगा घर में घूमने लग गया, अपनी मम्मी को बोलने लग गया कि मुझे उसके लिए चिकन चाहिए, जबकि वो पंडित जी, हाँ मुझे चिकन चाहिए, वो मांग रही है, वो डांट रही है मुझे, ऐसे 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 बिहेव करने लग गया। तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल होगा कोई, कानपुर लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ रखा उसको तीन महीने। तो वो कह रहा है कि भाई उसकी मम्मी जैसे हमें बताती है वहाँ भी वो ठीक नहीं है, वो बहुत ऐसे बिहेव करता रहा। फिर डॉक्टर ने तीन चार महीने बाद उसे छोड़ दिया कि भाई इसको कुछ हो रही बीमारियाँ, ये दवाई उसे ठीक नहीं हो रहा, ना इसको सुधार आ रहा। अब वो था, अब क्या था, वो था जैसे मेरे को बोल रहा था कि तेरे से आधा मान लिया, ऐसा लड़का था वो, उसके बड़े बड़े बाल थे, तेरे से आधा मतलब मेरे से पतला। और जो मेरा जो हमारे दोस्त का जो हमें बताया था ना स्टोरी, वो था जैसे शुभम भाई है, शुभम भाई से थोड़ा सा और मोटा और हेल्दी, मतलब पूरा लंबा ठाडा। वो कह रहे भाई मेरे वो जितने दिन वहाँ रहा ना तीन महीने, वो मेरे जितना होके निकला वहाँ से, और तगड़ा और तगड़ा होके निकला। और जबकि वो इसको दो टाइम खाना मिलते थे, वो दवाइयाँ चल रही थी उसको, ऐसे में इंसान या तो लूज ही होता है या बहुत फूल जाता है। तो उनको लग रहा था ये रीज़न है, उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया उसको, यूपी में कोई शहर था मेंटल हॉस्पिटल, फिर तीन महीने वहाँ था तो तीन महीने वहाँ चला गया, उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ भी कोई सुधार नहीं आता, उसको घर छोड़ गए कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके घर वाले थोड़ा चिंता करने लगे, उन्होंने दिखाया बाबा बाबू, वो जाने से मना करे भाई। तो वो कह रहा है कि उसकी मम्मी उसकी मम्मी से उसकी रेगुलर बात होने लगी उस लड़की की, और वो उससे भी मिलने आता था उसके दोस्त से, उसके इन सब के बाद शाम को बैठता, पर कहता वो खोया रहता कहीं, हमसे ढंग से बात नहीं करता, बताता कि मैं ऐसे जी रहा हूँ। तो हमने सोचा कि इसकी हेल्प हो जाएगी, तो हम इसकी बिलीव कर लेते हर चीज़ पे, तो हम उससे ऐसे बातें करते थे, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या करा। तो भाई वो उस जो जिसके साथ हो रहा था वो बताता है अपने दोस्त को कि वो मेरे साथ सेक्स करती है रात को, वो जो उसको दिखती है लड़की, वो मेरे साथ मेरे सामने नंगी दिखती है, मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ बहुत, ये है मतलब जैसे हम लड़के बात बता देते हैं आपस में। तो बताने लग गया, अब वो भी ऐसे हो गए कि भाई इसकी मम्मी भी कह रही थी नंगा घूम जाता है घर में और फ्रिज व्रिज गिरा देता है, चिकन का है मेरा, मैं चिकन खाऊंगा, अब इसके पापा ने मारे भी, इसको समझ नहीं आता, ये उसकी मम्मी ने बताया था उस लड़के को। तो उसका जो बेड था वो भी खराब भरा मिलता था, जैसे तहस नहस हो जाता है भाई। हाँ मैं बताता हूँ, ये लड़का एक दिन उसके पास गया, ये उससे मिलने गया शाम के टाइम, और उसके मिलने वाला उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है, और दरवाज़ा कैसा मतलब उसने जाली वाला तो बंद कर दिया और जो मेन गेट था वो खुला रखा था। तो भाई वो बेड पे लेटा हुआ उल्टा और अजीब अजीब हरकतें कर रहा, बिना कपड़ों के, मतलब अजीब अजीब हरकतें, कभी ऐसे लेट जाए आधी गर्दन नीचे रख के, कभी ऐसे उल्टा लेट जाए, हर तीसरी चौथी मिनट वो ऐसे ही करे। और जब उसने आवाज़ें मारी तो थोड़ा सा अपने होश वास में आया, उसने लपेटा और अब बाहर आके अपने दोस्त को छतरी ले गया कि कह रहा है तूने देख लिया होगा वो मेरे साथ कैसे करती है,
हम तो ऐसे ही है, अब वो मेरे को बहुत, मैं उसको बहुत चाहने लग गया, मेरा मन नहीं लगता उसके बिना भाई। और उसकी स्टोरी, वो कह रहा लड़का भाई ये प्रोसेस पूरा 8-9 महीने हो गए थे इलाज के बाद भी, कह रहा उसकी वो स्टोरी जहाँ उसने छोड़ी थी ना, मैंने उसका लैपटॉप खोला उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं, जो लिख रहा होगा कुछ, तो वो कह रहा है कि ना उसका लैपटॉप उसके पास इतने दिनों तक, ना वो फ़ोन यूज़ करता ज़्यादा, वो अपने में रहता रूम में पड़ा रहता खाता। तो वो उससे मिल के वापस आ गया अगली, जिस दिन वो वापस आया उसने वो देख के अपनी आंखों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी मम्मी उसको कहती है भाई कि वो ना मुर्गा लिया है कहीं से कच्चा और कच्चा चिकन खा रहा है, कच्चा मुर्गा, कच्चा मतलब बिना फ्राई किए बिना कुछ करे कच्चा ऐसे ही छिलवा के लाया कहीं से कूद काट के और आके कच्चा चिकन खा रहा है। अब उसके घर वाले तो वैसे तो उसके पापा को पता लगा तो उसने बहुत मारा उनको। अब वो कहता है कि पर उसकी मम्मी ऐसी थी कि भाई वो फोन करके मुझे बुलाया कि बेटा इसके लिए कुछ हो गया दिखा, तो किसी पंडित के पास, हाँ तो वो उन्होंने किसी पंडित को दिखाया तो वो बोले कि नहीं कुछ ऐसे ही किसी ने नज़र वजर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मन की बहन है, उसको खाने का क्यों मन हो रहा है, तो उसका पूजा वाद पाठ करवाई। तो वो एक दो हफ्ते तो कह रहा ठीक रहा, और ये एक साल की बात हो गई। और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है जब उनसे 7-8 दिन बाद मिलता है, जब पूजा पाठ जब वो सब उसको थोड़ा लो, मतलब उसकी मम्मी पापा को लगा था वो नॉर्मल है, उनके दोस्तों को लगा था वो नॉर्मल है, लेकिन अब वो उसको कहता है कि ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तू मेरे पास मेरे साथ चल। वो लड़की उसको कहती है, वो खुद बता रहा है अपने दोस्तों की यार वो मुझे बुला रही है ये, क्योंकि मेरे घर वाले तो हमें मिलने नहीं दे रहे, और वो यार वो तो चिकन ही खाती है और मैं क्या करूँ, और वो कह रही है कि मुझे किसी कोई बच्चा ला के दे, कोई बॉडी ला के दे, अच्छा मैं वो खाऊंगी ह्यूमन बॉडी। वो लड़की बोलती है उस लड़के को, मुर्गे उर्गे से काम नहीं चलेगा, हाँ ये पूजा के बाद की बातें बता रहा है वो, कि वो मुझे ऐसे कहते, मतलब हो तो बीच में ही रहा होगा, पर उसने उस दिन बताया, एक दिन बताया उसको भाई ऐसे ऐसे कह रही है, और मेरी बहन आई थी उसके बेबी को मैं मार देता घर पे, उसकी बहन आई थी छोटे बेबी को लेके 5-6, वो उसको मार देता, और उसने आंटी को फ़ोन कराया कि आंटी ये तो ठीक नहीं है अभी, ये तो उनको उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, कह रही बेटा इसने ऐसा किया कि अपनी बहन की लड़की को ऊपर ले गया उठा के, वो तो इसके जीजू ने देख लिया और ले आया उसको नीचे, और ना मैंने पता है क्या कर देता, और उसको पैर पकड़ के लटकाया हुआ था इसने, ऐसे पकड़ के ले गया बच्चे को, मतलब उल्टा पकड़ रखा है 5-6, 2-3 साल का बच्चा होता कितना, इतना लंबा मान लो, तो कह रहा है उसका सर छोड़ भी देते ना उसकी गर्दन टूट के उसकी डेथ हो जाती, और उसके जीजू नहीं देखते ना तो पता नहीं क्या करते, उसने देख ले जाते हुए, एक होता है खिलाते हुए ले जाते, उसके जीजू क्या करता खिलाने लेके गया, लेकिन वो लेके ऐसे गया तो उसके जीजू पीछे भागे, ऐसे मत पकड़ गया कुछ भी समझ के भागे, वो तो मार ही देता क्योंकि वो अपने बच्चे, उसने बताया भाई वो मतलब वो उसके दोस्त को बोल रहा है कि भाई वो मैं तो कर दूंगा, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं तो ये कर दूंगा, मेरे को तो वो चाहिए, और भाई उसको तो वो कह रहा है कि मुझे अब वो दिखती नहीं मुझे, अब वो कहती है जब तू मेरे को ये खिलाएगा मैं तब तेरे पास आऊँगी वरना मैं नहीं आऊँगी। तो भाई उस बीच में वो लड़का इतना पागल हो गया कि वो घर के बाहर भाग जाता बिना कपड़ों के, अच्छा पड़ोसियों की तो इधर उधर से कुछ बिना कपड़ों के, मतलब कच्ची वच्ची भी नहीं ऐसी, जैसे आज पहन ली कल कुछ नहीं पहना, परसों टी शर्ट में फटे से ना नहाता ना धोता ऐसे रहता, उल्टे सुलटे भाग जाता बाहर, पकड़ के लाते इसके पेरेंट्स इसके उसको, और रूम में पैक कर देते बंद कर देते, जो इतनी बड़ गई बात, तो उन्होंने दिखाया उसको भाई इसको तो आराम नहीं हुआ, उन्होंने बोला भाई पूजा वूजा करवाओ, तो भाई इतने तक जब तक वो पूजा करवाते जब तक, तो वो कह रहा है कि मुझे वो लड़की ना खिड़की के पास खड़ी है और मुझे कह रही है आ मेरे पास ये, मैं ऐसे नहीं रहूँगी, तो उसने अपने रूम में कहीं से चिकन कच्चा चिकन ला के रखा और उसको खाता हुआ, तो जब 7-8 दिन बाद उनके घर वाले को पता चला कि स्मेल आ रही है सड़े हुए मांस की, जैसे बहुत दिनों तक चिकन रखा रहता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या लग जाता, तो उसकी मम्मी ने देखा उसके रूम में कम से कम 2-3 किलो चिकन रखा पड़ा, फैला पड़ा है बैठ के चारों ओर, किसी में दांत मार रखे किसी में थोड़ा थोड़ा खा के नहीं फेंक देते, कह रहे इतनी बुरी हालत कमरे की, और बस खिड़की की तरफ देखे ना बोले कुछ, उसके पापा ने उसको बहुत मारा, अलग करने की धमकी दी, तो ठीक नहीं हुआ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर उनको ये भी था कि भाई इसको कुछ हुआ है नहीं ऐसा, क्योंकि उसने कभी नहीं खाया था नॉनवेज, कभी नहीं खाया। तो मीनवाइल कोई बढ़िया बाबा वगैरह नहीं मिले ना, कोई उपाय पाया भाई जिससे वो करवा रहे थे उस प्रोसेस में, पहले तो डॉक्टर चला 6-7 महीने, तो उनको ये 19 महीने की पूरी स्टोरी थी जो उसने हमें बताया, पर अब हम 1 साल पे पहुंच गए, उस टाइम तक वो जिसको दिखा रहे थे पूजा पाठ करवा रहे थे वो कहते कि मैं ठीक कर दूँगा इसको धीरे धीरे कर दूँगा, पर वो और दिन पे दिन वो होता जा रहा था और उसकी अजीब होता जा रहा था हरकतें, वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं आता था, उसने जैसे वो रोज़ मिलते थे वो फिर 7-8 दिन में एक बार मिलने लग गए, वो भी उसके घर चला गया वो लड़का तो मिल लिए बात हो गई ना, तो वो वहाँ भी आना छोड़ दिया उसने, और वो अपनी मम्मी को बाहर पीछे से आके थप्पड़े मार देता था अपनी मदर को,
इतना इंदिरा मेंटली, वो मेंटली बोल रहा है उसको कुछ हो गया उस पे, मतलब उस वाली उस एंटिटी का कंट्रोल उसकी बॉडी में आ चुका था और वो उसके हिसाब से चल रहा था, मतलब अब वो घर वालों को मार रहा है अपनी मम्मी। उसकी मम्मी कहती है उसके पापा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं मंदिर में, 4:30 से निकल जाते थे, उसकी मम्मी 6 बजे पूजा करती थी, पीछे से आता था धक्का दे देता था। तो भाई इसको चलते चलते 1 साल हो गया था, तो उसके दोस्त ने भी इधर सर्च किया भाई किसको दिखाए पंडित जी को, पूजा पाठ करवाए थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, क्योंकि वो पूरा पूरा दिन अपना जगता रहता, पूरी पूरी रात जगता रहता, और रात को क्या करता स्कूटी लेके मणिकर्णा घाट में बैठा रहता, और वहाँ पे जब बॉडी जल जाती रात को तो उसमें कुछ ढूंढता कि मुझे कुछ पीस मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, और वो अपने पूरे दिन खिड़की को घूलता रहता, और आपस में जैसे हम बैठे बैठे बात नहीं करते, नहीं मैं कर दूंगा ऐसे करता रहता, जो उसकी उसकी मम्मी बताती उसको कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा हो रही है बीमारी, और उल्टी सुलटी हरकतें करता, अपनी छत पर चला जाता बिल्कुल बिना कपड़ों के, और उस अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी भाई कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कितनी रातों से सोया नहीं है, डार्क सर्कल हुलिया ऐसा बना लिया था कि पता नहीं कुछ खाने पीने को नहीं हो, ठीक है, और पर वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो रहा था, मतलब जैसा वो निकला था ना तो हैवी ही होता जा रहा था। अब उसकी हाइट वो कह रहे कि 5-7 के आसपास थी, लेकिन जब वो बड़ा होता गया उसकी हाइट छोटी हो लगने लगी, अब वो इतना हैवी हो गया था यार, उसका वेट 110-120 आ रहा था देख के, मतलब जैसे वो गैस कर पा रहे थे, जैसे वो लड़का गैस कर पा रहा था, और जब उसका पहले वेट था वो था 55, 56, 58 इतना पता लग रहा था, लेकिन अब उसका डबल हो चुका था। और इस बीच भाई मैं एक बात बतानी भूल गया, जो उसी लड़के ने बताया था कुछ दिनों बाद जब वो इतना मतलब बीमार नहीं हुआ था या कुछ इतना पागल नहीं हुआ था, कि वो जिस लड़की को वो प्यार करने लग गया ना, वो वही लड़की है जो अगोरी खा रहा था, और वो मुझे और वो कहता है कि वो मुझे लड़की कहती है कि ये मुझे हम मैं मिलने नहीं देंगे तो मैं एक को अपने साथ ले जाऊँगी, तो मेरे साथ, और वो मुझे बुलाती है, तो उन्होंने पूछा कहाँ बुलाती है, वो क्या करने हमें बता क्या करने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि जिस जो बंदा था ना वो थोड़ा है एजड है और वो बहुत मिच्चे हो रहा था, तो वो सोच रहा था कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, वो हम ऐसे ही बता रहा था कि भाई हमने सोचा उसकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, तो हम उसको बिलीव कर रहे थे कि हाँ ऐसा सब हो रहा है, तो हम उसको वो नहीं कर रहे थे कि नहीं तू पागल है, नहीं हम कह रहे थे हाँ अच्छा फिर क्या हुआ, तो हम ऐसे बात कर रहे थे उससे, और मैं तो करते ही रहता था, लेकिन अब फिर मेरी बात उससे बहुत कम होने लग गई, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर जब उसको भी पता चला ना ये वही लड़की है, तब इनको ज़्यादा शक होने लग गया कि भाई वही लड़की, पर ये इसके सामने चीज़ें हो रही थी फिर भी ये इतना पागल हो रहा है उसके पीछे कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, और फिर वो लड़की भाई वो खिड़की को घूरता रहता, और खिड़की में उसने बताया कि वो लड़की मुझे कहती मेरे साथ आ, खिड़की में खड़ी होकर, इसलिए वो खिड़की को घूरता था कि वो बैठ, जैसे वो कहता था कि उसका बेड ऐसे था और उसकी खिड़की बड़ी थी और लोहा लगा होता, लोहा क्या बोलते हैं उसको, उसका स्टील का बना देते हैं, मोड़ के टूट भी जाता है अंदर शीशा, फिर वो कि बाहर से कुछ दिखता है सब कुछ, कर्टन्स वर्टन्स लगा देते हैं, तो वो उसको ही घूरता रहता है। तो उस लड़के ने बताया कि वो खड़ी वहाँ बैठती है वो, और मैं वो मुझे बुलाती है कि यार मैं तो नहीं पाऊँगी तेरे पास, अब तेरा शरीर मेरे लायक है नहीं, तूने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये चाहिए। तो उससे जब वो इंसान की मांग करती तो वो वहाँ ढूंढने जाता है मणिकरण रातों को 3-3 बजे, वो स्टिक लेके डेड बॉडीज किसी कुछ पार्ट बचा हो, और भाई उसने एक दिन ऐसे करा कि चलती चिता में डंडी मार दी, वो तो अगर लोग नहीं होते वो तो क्या होता उसको निकाल देता, वो तो लोग जो बैठे रहते हैं वहाँ पे रात बात वो घाट में उन्होंने चिल्लाया पीछे से, तब वो वहाँ से भागा, वरना क्या पता वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल के खा लेता। और मतलब इतना हो गया था कि वो अपने बहन के बेटे को नहीं छोड़ रहा था, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर नहीं जाते ना हमें नहीं लगता ये बच्चा बचता, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेके गया ना उसको अपने कमरे तक खींचता हुआ ऐसे लटकाता हुआ उल्टा, तो उनको उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसके जो उसका जिसका बच्चा था मतलब उसका जीजा, वो भागा कि ऐसे कैसे ले जा रहा है ये, भाग पद बचाने के लिए, और वो कमरे में पहुंचा तो उसको बेड पे फेंक रखा था उस बच्चे को, वहाँ से उठा के लाया उसका जीजा। बताओ अब इस बात को भाई ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, उसने बाबा बाबा सर्च करी दो, तो इसी पंडित जी जाने से पहले जैसे ये पता लगा वहाँ पंडित जी भाई परसों वहाँ चलेंगे और ऐसे ऐसे लेके जाना, उसके घर वालों को बता दिया पंडित जी बताए वहाँ पे वो देख के बता देंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, और ठीक कर देंगे बिल्कुल। इस बात से उस लड़के को पता लग गया कि मुझे कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, और उसकी अपनी मम्मी को कह रहा है गाली दे के कि तुम मुझे ठीक नहीं करो, तुम जाओ यहाँ से मरो कटो, मेरा घर है मैं ऐसे रहूँगा, और मतलब गलत बोलने लग गया अपने घर वालों को एक दिन दो दिन पहले कि परसों वहाँ लेके जाना है, आज उसने गाली गलोच ये करना वो करना और अपना रूम बंद कर लेना, बखेर दिया सामान वामान सारा। और इस उसकी मम्मी जो बताती है कहती है कि हम देख रहे थे ना तो वो खिड़की में खड़ा होकर बैठ रहे थे, अब मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे बता क्या करना है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, खिड़की से बात मतलब
इतनी दूर खिड़की जो उसकी मम्मी बता रही है उसको कि भाई बेटा मैं देख नहीं पा रही थी, मेरी आंखों में आंसू, मेरे बेटा क्या हो गया, और रोती रोती बता रही है उसको सामने से भी। और भाई जब वो लड़का हमें बता रहा था ना, उसकी आंखों में भी आंसू थे, वो हमें स्टोरी बता रहा था। मैं मेरे सामने की बात है, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। कह रहा भाई मैंने इतना अच्छा दोस्त खो दिया अपना बस एक चक्कर में कि हमने क्या गलती कर दी। तो उस जो वो बता रहा था ना उसकी मम्मी तो कह रही, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मत जा मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा और अपने आप को नुकसान करे, कभी हाथ दीवार में मारे, कभी बेड में मारे सर। तो चिल्ला के बोला मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और भाग के खिड़की से नीचे कूद गया। और उनका फ्लोर था कम से कम तीसरा या दूसरा फ्लोर था, मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा बताया था। तो कूदा तो जब जैसे नीचे पड़ा तो खून सर्वर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब होश था उसको। तो हॉस्पिटल लेके गए, तीन दिन वो आईसीयू में रहा। उन 3 दिन में थोड़ा सा उसको होश आए तो वो खाने के लिए मीट मांगे। फिर भी हाँ, और उसकी आवाज़ ऐसी हो मैं इसको छोड़ दूंगी अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो। जितनी बार भी होश आया वो कुछ नहीं मांगे, बोला मुझे मीट चाहिए, वो चाहिए मांस चाहिए मुझे मांस। डेड बॉडी का बेस, मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं लेके जा रही हूँ, मुझे मांस दो। और उसकी मम्मी कह रही है कि जिस आवाज़ से वो बोल रहा था ना, बहुत पतली आवाज़ होगी जिसकी, और हमें लग रहा था कि वो एक्सीडेंट की वजह से पतली हो गई है, लेकिन जब बाद में पता, जब उन्होंने इधर उधर पूछा होगा कि वो, जब उन्हें ध्यान आया कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे करके बोल रहा है, एक होता ना मैं छोड़ दूंगा, इसको छोड़ेगा, तो वो सच, वो लड़की की आवाज़ जैसे पतली हो जाती है बिल्कुल, आवाज़ बदल गई मतलब। हाँ, उसके घर वाले जब तक वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो दोस्त भी वहाँ पहुँच गया, वो बाहर थे, जैसे उसको होश आया तो डॉक्टर एक बंदे को जाने दे तो उसकी मम्मी जाए, और उसका दोस्त जा ही नहीं पाया, वो बाहर से देखे जो झाग बाग के जो जैसे भी उसने देखा होगा, उसकी मम्मी से पूछा होगा, तो बोले कि मांस मांगता है। 3 दिन बाद, 2 दिन बाद उसको होश आया, और वो कम से कम 5 दिन आईसीयू में रहा, तो 2 दिन बाद तो उसको वैसे ही होश आया, उसका सर्वर पर जब टाके वाके आ गए ना, उसके हाथ ऐसे, एक हाथ तो ऐसे टंगा हुआ था, कह रहा था, और इस हाथ से बस उंगलियों से इशारा करे मांस छोड़ दूंगी मैं इसको मांस, ऐसे करे बस, और फिर बेहोश हो जाए। 3 दिनों के साथ ये हुआ, और भाई 3rd दिन वो उठाएंगे, और उन्होंने मांस नहीं दिया, नहीं दिया उसको मांस, और वो तीर चिल्ला के एकदम, और जब उसकी मम्मी से मिलने आई तो इस हाथ को ऐसे फटक के मारा, अंडी जो ऐसे लटका रखा था, पता नहीं कैसे लटकाते अंडी उठी टूट जाती है, तो ऐसे लटका रखा था, तो ऐसे हाथ मारा तो उसकी मम्मी को लगा, और उसने अपना दम तोड़ दिया उस लड़के ने, और उसकी उसकी मतलब वहाँ पे डेथ होगी। और उसका दो जो कहता है कि भाई हमसे हमें ऐसा हो गया कि हमारे साथ, हमारा हमारा नंबर है, हमने उसके साथ। अब वो डरे, और जो मैं बता रहा हूँ ना, एक फार्मेसी वाला वो था वैसा लड़का, उसको पता लगा ऐसे ऐसे सीन हो गया, तो वो वाराणसी छोड़ गया बिल्कुल अपना, इतना डर गया वो लड़का, और कहता है जो मैं हूँ भाई आज तेरे सामने देख जैसा हूँ, पर मेरे को भी रात को डर लगता है, मैं घाटों पे नहीं जाता, टूरिस्ट आता तो उसको ले जाता हूँ, और वो पहले मेडिकल करता था डर की वजह से। अभी भी वो आती आवाजें, नहीं आवाजें नहीं आती थी, उसको सपने आते थे कि कोई मेरे सामने कच्चा मांस खा रहा है, इंसान का मांस खा रहा है, और उसको सपने आते थे कि कोई किसी का सर पकड़ के मेरी तरफ भागा आ रहा है, अघोरी टाइप सर कटा हुआ मेरी तरफ भागा आ रहा है, तो उसे डरता, कह रहा मैं अभी नहीं निकल पाया हूँ उससे भाई, मेरे को आज मैं बोलूँ ठीक सोया हूँ, क्या पता मुझे कल सपना आ गया उसका, तो मैं दबा रहता हूँ, इस चक्कर में मैंने अपना हॉस्टल छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, मैं अपना घर पर रहता हूँ अपने मम्मी पापा के पास। और भाई जिस तरह से वो बता रहा था ना, जिस तरह से उसके आँखों में आंसू आ गए, और फिर वो जो बाद में ऐसा हो रहा था कि भाई मैंने अपना दोस्त खो दिया, बस मैं उसको बोल देता ना कि मत जाओ ऐसी जगह पर मत जाओ, तो ये सब होता ही नहीं, मैंने नहीं रोका, मैं उसके साथ था, तो वो कौन रोकता, हम भी उसके साथ ही चले गए, और वो और आगे चला गया, हमारे साथ इतना हो रहा है, इतना भी होता हम सह लेते, ठीक करा लेते, लेकिन जब तक हम उस वोट वाले को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो डिस्कस करते, वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो बातों में लग गए दोनों, और ये निकलेगा उसको देखने, इसको चुलती ज़्यादा। तो भाई जब ये आगे गया तब ये सीन ख़राब हुआ, तो कहता है कि भाई मैं अपने आप की गलती मानता हूँ, मैंने उसको खो दिया, मैंने उस दिन रोक लेता ना उसको तो मेरा दोस्त भी जिंदा होता, और उसके माँ बाप जो भटक रहे हैं आज वो भी ठीक होते, और मैंने वो होता ना कि बिलीव सा कैसे करें इसमें, तो भाई मैंने उससे बोला कि भाई उसके मम्मी पापा हैं, तो कह रहा भाई आप चलो 15 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का मैं मिला के लाता हूँ। मैं नहीं भाई मुझे तो नहीं मिलना, मैंने आपकी बात मान ली। उसकी आँखों में आंसू थे भाई बड़े बड़े, उसने उसकी फ़ोटोज़ दिखाई एक उस लड़के की, आप बोलोगे तो मैं फ़ोटोज़ भी मंगा दूंगा, पर अभी तो उसकी डेथ हो चुकी है वैसे भी। और जब वो मरा और जब उसका पुलिस वालों पर केस बन गया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई उसकी बॉडी पर निशान मिले हैं, पूरी पीठ पर नेल्स के निशान, लड़की के नेल्स के निशान, पूरे हाथ पे ऐसे फाड़ने के निशान, उसके प्राइवेट पार्ट पर फाड़ने के निशान,
वो उसके बाद इंटरगोल करती थी ना। हाँ, पता नहीं कैसे मिले, पर ये पता चला जब उसकी डेथ हो चुकी थी और जब कुछ डॉक्टर वॉक्टर चेक करते हैं कपड़े बनाए तब पता चला कि इसकी बॉडी पे कुछ निशान थे, तो डॉक्टरों ने फिर पुलिस को बुलाया था कि कुछ और सीन है इसका, तब पुलिस आई थी, तब वो हुआ था पास वो क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम वो हुआ था उसका, और तब पता चला इसको खरोचे हैं और उसकी पीठ में ना पूरे जैसे एक हाथ का एक होता है ना तो कहते हैं कम से कम 8-9 हाथ या अलग अलग हाथ या एक ही हाथ बार बार ऐसे खरोचे थे और उसके प्राइवेट पार्ट पे पूरे पे खरोच थी और उसकी पीठ पे हाथ पे खरोच के निशान थे और उसके हाथ पे उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट के एन लिखा हुआ यहाँ एन लिखने की कोशिश कर रहा है कोई एन फाड़ के ऐसे ना खून से ऐसे, या हो सकता है उन्होंने वैसे ही लगा लिया आइडिया या सच में हो पता नहीं, आप बोलोगे मैं बोलूँगा उसको बॉडी पर जैसे आपकी मर्जी बॉडी पार्ट के वो भेज देगा, बॉडी की फोटो है उसके पास न्यूड बॉडी की फोटो है, वो कह रहा है भाई अगर बोलेगा तो वैसे तो उनके घर वालों को मैं बताऊंगा नहीं, अब बाकी तुम देख लेना। नहीं यार ऐसे फोटो लगाना तो सही उसके पास रखता है बस वो इसलिए रखता है कि भाई ये चीज़ें होती है, और भाई फिर उसके साथ जो लड़का आया हुआ था ना वो करता है वहाँ पे गाइड का काम, उस दोस्त के साथ उस लड़के के साथ कोई लड़का आया हुआ था क्योंकि वो भी घुमाने फिराने का काम करता है फॉरेंस को, उसने छोड़ दी अपनी पढ़ाई, कह रहा मैं इतना डर गया था मैं हॉस्टल में रह नहीं पाता, मैं स्कूल में नहीं जा पाता, मेरे को ऐसा बहुत महसूस होता है मैं अघोरी के बीच नहीं जाता भाई, मैं पंडित जी से नहीं मिलता, मेरे को बहुत डर लगता है, वो बैठा हुआ है ना थोड़ा सा, तो भाई वो कह रहा है कि बोलोगे तो मैं आपको बॉडी पार्ट्स दिखा दूंगा, आप मेरे साथ चलोगे मैं आपको उसकी मम्मी पापा से मिलवा दूंगा। उसकी बहन उस दिन के बाद जब तक वो था तब तक घर में नहीं आई थी अपने बच्चे को लेके, इतना उनको डर लग गया था, और उसकी मम्मी पापा ऐसे रहते हैं अब वही अपना, उसके पापा तो बुड्ढे से हो रखे हैं वो पूजा वूजा करते हैं, और उसकी मम्मी भी पूजा पाठ में लगी रहती है कि मेरे बच्चे के साथ हो गया किसी और को ना हो। भाई इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जो आपके नॉर्मल लाइफ में नहीं है उनके पीछे तो मत ही जाओ ऐसे चुल के चक्कर।